दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज की। बूढ़ा आदमी कुर्सी पे बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। बूढ़े आदमी की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से फिर मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाई लेना नहीं भूलता था। उन्होंने कबूल किया। क्या आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी सीमा आपको हर रोज़ इस बारे में याद दिलाती थी, उनकी पत्नी ने कहा। नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाई लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे रोकती थी। उन्होंने यह रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे में एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो आज 8 बज चुके हैं और मैं सीमा को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोल कर देखा तो उसमें सीमा का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने उस बूढ़े युगल को खुशी से भर दिया कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। सीमा के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइल में जवाब दिया। उधर सीमा का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल संतोष के हाथ में था। संतोष ने मैसेज को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय सीमा बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। सीमा ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसे अचानक संतोष से सवाल किया, अरे पापा ने मुझे ये स्माइल क्यों भेजा है? संतोष मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूं? उस दिन पहली बार संतोष ने सीमा की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।